बाबू आप बताइए कि मैथ्स पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जीवन में सर सबसे ज़्यादा मैथ जरूरी है। हम मैथ्स नहीं जानेंगे तो कोई भी चीज़ सर, हिसाब होता है सर, किताब होता है, करने के लिए होता है, पैसे के मामले में हो गया, अब हर जगह सर परसेंटेज का यूज जरूर से जरूर होता है। हमें मैथ्स नहीं आता, परसेंटेज नहीं पढ़े होते सर, इस तो मतलब कहीं कोई परसेंटेज हर मतलब कहीं पर भी जाते हैं सर परसेंटेज में होता है, पूछ देता है। कल ही मेरे साथ हो गया सर, कल भी कोई पूछे हम बताए सर। तो इसीलिए मैथ्स हमारे जीवन में इतना ज़रूरी है। मैथ्स नहीं पढ़ेंगे ना सर तो कहीं पर भी कोई पूछ सकता है तो हम बता ही नहीं पाएंगे, मैथ्स जानेंगे ही नहीं तो बता कैसे सकते हैं सर हम लोग। इसीलिए सर मैथ्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। मैथ्स नहीं आएगा, कहीं दुकान में भी हो गया, पैसा जोड़ने नहीं आया, समझने नहीं आया तो कैसे हम बता पाएंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा मैथ्स ज़रूरी है सर। प्रियांशी मैम, मैथ्स के कुछ अपने फेवरेट चैप्टर्स का नाम बताइए। सर पहला अलजेब्रा, फिर त्रिकोणमिति, बस दो आपके अनुसार। जी सर, प्रियांशी बोल रही है ना सर, वो भी सर वो अलजेब्रा और त्रिकोणमिति सबसे बेस्ट सब्जेक्ट थे सर, और सबसे अच्छा लगा पढ़े थे ना सर, पूरा जी जान लगा के पढ़े, मेहनत से पढ़े थे सर, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही उस पर इंटरेस्टिंग कुछ ज़्यादा है वो दोनों चैप्टर्स में सर। हाँ जी सर, परसेंटेज पढ़े सर, वो तो हाल ही फिलहाल में पढ़े हैं, ज़्यादा दिन तो हो ही नहीं रहा सर, अभी छोड़े हुए शायद 2-4-5 दिन हो रहा होगा सर, ऐसे ही छोड़े हुए तो वो तो और भी इंटरेस्टिंग, वो तो पढ़े भी नहीं थे सर, और पहली बार पढ़े और भी ज़्यादा अच्छा लगा, और बता पाते हैं सर, अब कोई पूछते हैं परसेंटेज निकालने के लिए तो बता पाते हैं तो और भी ज़्यादा खुशी होता है। आप जी परसेंटेज लाभ हानि अच्छा नहीं लगा आपको? जी सर लग सबसे ज्यादा मतलब अच्छा वो भी लगे सर, ताकि हमें पता चला ना कि परसेंटेज निकालने में भी कितना लाभ है। अच्छा आप दोनों को एक एक करके बताइए कि लोग मैथ्स क्यों पढ़े और कितना पढ़े, मैथ्स में आपको रुचि है या नहीं, आप दोनों को ये सब बताइए। तो मैथ्स में रुचि है आप लोगों की? जी सर। जी सर। कितनी है सर? बहुत ज़्यादा सर, पढ़ने में मैथ्स पढ़ते ना सर, इतना ज़्यादा मतलब मन लगता है बनाते बनाते कि लगता है कि मैथ में ही खो गए हम लोग ऐसा। आप अपना राय रखिए। सर जी सर, मैथ्स पढ़ने में इतना मतलब काट छाट छाट करने में सर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि लगता है कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। अच्छा मैथ्स या हिंदी? मैथ्स सर। मैथ्स मैथ्स अच्छा है, हिंदी से ज़्यादा आपको मैथ्स में मज़ा आता है? जी सर, हिंदी में सर कहानियाँ पढ़ने में मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आता है कहानियाँ, और मैथ्स में काट छाट करने में बनाने में। आप बताइए। सर वही जो शिल्पी मैम बोली सर, हिंदी में कहानियाँ समझ किस तरह से बोलनी चाहिए हमें, वो सुन वो पढ़ने में आती है अच्छे, और मैथ्स में सवाल जवाब दम उस मतलब जितना वो पूछे उतना ही उसको मतलब उसमें लगे। थोड़ा सा गलती हो गया तो गलती हो जाता है ना जी? जी सर, पूरा प्रोसेस ही गलत हो जाता है सर, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण एक नंबर इधर उधर हो गया तो पूरा पूरा गलत, मैथ से ग्रांग हो जाता है। तो
तो फिर ये अच्छा सब्जेक्ट कैसे है, इसमें तो दिक्कत होता होगा सर, इसीलिए तो वो फिर से गलत हो गया, फिर उसको बनाने में लगे फिर उसको बनाया, जितनी बार गलत हो तब तक, जब तक बनाए तब तक वो सही ना हो। उबती नहीं है, टेंशन नहीं है नो सर। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मैथ्स बोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत हार्ड है, ये नहीं बन सकता है। सर जो पढ़ना नहीं चाहते हैं ना सर, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही कठिन होगा, समझ में भी नहीं आएगा। जो मैथ से भागते हैं उनको समझ में नहीं आएगा सर, इसीलिए उनको लगता है हार्ड है मैथ। पढ़ेंगे ना सर तो सब चीज़ आसान हो जाता है। आप क्या कहना चाहिएगा बाबू? सर वो पढ़ने की उनको इच्छा ही नहीं करती होगी सर, तो क्या उनको आएगा मैथ में इंटरेस्ट, सोचते हैं यहाँ टिक उठे पढ़ेंगे बेटा ये। इच्छा जरूरी है जी सर। जी सर। तो इच्छा कैसे जगाए सर? वो अपने अंदर की आत्मा से कहेंगे कि हम पढ़ना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे उस पे टूट पड़ेंगे तब कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। प्रक्रिया सबसे ज्यादा आंसर से ज्यादा उसको प्रोसेस से मतलब ज्यादा होता है सर। आंसर आए पर प्रोसेस सही रहेगा तो ना सर आंसर आ सकता है, पर आंसर आ गया प्रोसेस ही नहीं पता रहेगा तो हम क्या जानेंगे कि कैसे कैसे बना दिए हैं, पर आंसर आ गया समझ में ही नहीं आया, अगला का समझ में नहीं आएगा सर तो अगला क्या जवाब दे सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे सर? जब प्रोसेस ही नहीं सही तब आंसर लाकर या नहीं आए क्या फायदा उसी, इसीलिए तो सर एक जब आंसर लिया प्रोसेस गलत हो गया सारा का सारा गलत हो जाएगा फिर, इसीलिए पूरा पहले प्रोसेस सही होगा तब ये। तो प्रोसेस सही करने में इंसान को बहुत दिक्कत होता है, उसका क्या करें सर? वो अपने आप को तब संभाले अच्छे से रहे तब तो तभी तो बन पाएगा सर। वो एक बार बना लेते होंगे हाँ, समझ में नहीं आता होगा ना सर, तो कहता है मैथ बोरिंग सब्जेक्ट है, पर बार बार बनाएंगे समझ में आएगा तब ना कहेंगे सर कि मैथ सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, मैथ के बिना कुछ भी नहीं है। हम लोग कहीं कुछ भी मतलब कोई पूछ दे मैथ्स में हर जगह तो आजकल सर मैथ होता ही होता है, जुबान पर सब खोजता है, इसीलिए सबको लगता है कि मैथ्स बोरिंग सब्जेक्ट है, पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो क्या। अच्छा ये मैथ्स में प्रोसेस बनाया कौन? सीधे आंसर नहीं दे सकते सर, कोई भी बना है पर अच्छा ही बना है कि बच्चा लोग मेहनत करके पढ़े सर, बच्चा लोग हमेशा जी चुराता है पढ़ने से कि पढ़ेंगे सर, मतलब सर आजकल व्यस्त रहे अपने अपने जीवन में अपने अपने व्यस्त रहते हैं, पढ़ाई का कोई अहमियत ही नहीं देते हैं, पर जो भी बनाए सर सबसे अच्छा किया क्योंकि बच्चा लोग ध्यान से मैथ्स को पढ़। प्रियांशी मैथ्स में टाइम लगता है? जी सर मैथ्स में तो टाइम लगता ही है। तो टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी लिखना चाहते हैं जो लोग, उनका मैथ्स कैसे आएगा? सर चाहेंगे सर कोशिश करेंगे पूरे कि हम मैथ्स को जल्दी 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 ख़त्म करें पूरा अच्छे से समझ कर बना कर मेहनत से, ताकि आगे हमें बनाने में आसानी हो। मैथ्स को समझना जरूरी है? जी सर। बिना समझे नहीं है? नहीं सर, चाहे कितना भी कोशिश कर ले होने हो ही नहीं सकता बिन समझे हुए। तो लोग तो एक कोई तेज लड़का है वो मैथ्स बना लिया है,
उसका कॉपी से उतार लेते हैं अपने कॉपी में और जमा कर देते हैं, चेक हो जाता है और गुड भी मिल जाता है। तो क्या उनको मैथ्स आ गया? नो सर, वो तो छापे ना सर, वो अपने से बनाते हैं, अपनी मेहनत से बनाते हैं, तब तो तब वो गुड़ लाने के लिए लायक होते हैं। अब वो छाप लिए हैं, सबको जाकर दे दिए, चेक करा लिए हैं, अब कौन फायदा का गुड़ आया? उनको तो मालूम नहीं कि ये चीटिंग कर कर दिखाए हैं हमें। वहीं पर सर उनसे वही क्वेश्चन कर दे, नहीं बता पाए तो उनका गुड भी चला जाएगा और उनका इज्जत भी, मतलब वहीं पर कहेंगे कि पूरा भर क्लास में सर इनका बेइज्जती हो जाएगा, कि तुम बनाया सही पर कैसे बनाया, बताएगा कोई भी रीजन होगा, मतलब पढ़े नहीं तभी तो नहीं बना पा रहा, बस छापोलॉजी कर लिया। आपके लिए क्या जरूरी है, परीक्षा में अच्छा नंबर लाना या मेहनत करना? मेहनत करना। आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ईमानदारी से हर रोज पढ़ाई करना या परीक्षा पास करना? ईमानदारी से हर रोज पढ़ाई करना। जी सर। और ये क्यों? क्योंकि सर हम लोग मेहनत से नहीं पढ़ेंगे और एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ेंगे सर, तो एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ लिए बस, और आगे चल के हमारा फिर वही सब्जेक्ट, मतलब बाद में काम तो देगा ना सर, हमें भी भाई हो गए, बहन हो गए, इनको भी तो पढ़ाना है, बताना है, कोई पूछ दिए, बड़े ही पूछ दिए हमसे, हम लोग क्या जवाब देंगे? बस कहेंगे कि मैट्रिक मतलब टेंथ पास करने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़े और भूल गए? नहीं सर, हम भूल गए, पढ़े थे भूल गए सब। जी सर, यही होता है। ये डायलॉग ऐसा नहीं लगता है, सुना सुना है? जी सर, सब को सुना सुना सन्नाटा है। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा, आपकी क्या राय है सर? एग्जाम पास कर गए वो, अब पढ़ाई लिखाई नहीं किए, मान लीजिए चीटिंग करके पास कर गए, तो आप तो मेहनत करके बेकार कर दी। जी सर, है ना, आप साल भर मेहनत की अब पास की, अब वो बिना मेहनत किए ही पास कर गए, साल भर खेले कूदे, तो अब उन कौन ज्यादा अच्छा है? आप मेहनत, साल भर मेहनत करके पास की और वो बिना मेहनत किए पास किए? सर मेहनत करके पास किए वो अच्छा है, हम पास करें या ना करें, हमारे मेहनत तो हमारे साथ है सर, तब हम नहीं जानते सर हम कितना मेहनत किए हैं कितना नहीं, तो वो तो उनका क्या है, वो तो आज खेल रहे हैं कल छाप दिए बना लिया, बस उनको पास होने से मतलब था, हो गए, फिर आगे पढ़ें या ना पढ़ें तो क्या मतलब, क्या मतलब? तो कौन ज़्यादा तरक्की करेंगे, जो मेहनत से पास हुए हैं वो या जो पास हुए हैं वो? जो मेहनत से पास हुए हैं वो, मतलब चीटिंग करके पास हुए हैं उनके पास भी तो सर्टिफिकेट है टेंथ का ना? सर सर्टिफिकेट से क्या होगा सर, हमें तो नॉलेज से मतलब है, सर्टिफिकेट दिखा दिए बस, जॉब मिल गया उससे क्या मतलब, उसके जॉब को करने के लिए समझदारी होना चाहिए सर, तब ना कर पाएंगे कोई चीज़, समझदारी ही नहीं रहा बस सर्टिफिकेट रहा, तो उससे क्या वैल्यू उस काम को लेकर? आपकी क्या राय है सर, जब ज्ञान ही नहीं है तो मिले सर्टिफिकेट मिले या ना मिले उन्हें क्या, वो तो बस आएगा, मिल गया कहने के लिए तो हो गया ना कि हमारे पास ये है, ये मिला, पास किए हैं उनका सर्टिफिकेट पास किए हैं तो हमको सर्टिफिकेट मिला, इतना नंबर लाए हैं, लेकिन उनको थोड़ी ना मालूम कि पढ़ के लाए हैं कि छाप के लाए हैं। अच्छा, तो आप लोगों को कैसे नंबर लाने हैं, पढ़ करके या छाप करके? पढ़ करके, मेहनत से, ईमानदारी के साथ सर। आप जी? सर मेहनत से, पूरी लगन के साथ, ईमानदारी और सारे चीज से,
सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। क्या पढ़ाई आने वाले कल में काम आती है? जी सर आती है सर, इसीलिए तो हमें अभी भी पता है समझ के क्या करनी चाहिए क्या नहीं, मेहनत से ही तो हम सब ये सारे सीखे हैं सर। जैसे किसी से अच्छे से बात करना, किसी से क्या करना चाहिए, कौन क्या है, कैसे बोलना चाहिए, इसी तरह तो सीखे हैं सर ज्ञान से। आगे हो सके तो और सीखेंगे। आपकी क्या है मेहनत काम आती है जीवन में? जी सर मेहनत से नहीं पढ़ेंगे सर, और मेहनत से नहीं पढ़ेंगे तो ज्ञान का क्या फायदा सर, पढ़ लिए बस हो गया तो ऐसा जीवन ही क्यों खराब है सर। मेहनत से पढ़ेंगे ही नहीं तो ऐसा जीवन में रह कर क्या फायदा है क्या नहीं फायदा कुछ समझ में, मेहनत करेंगे तो ना समझ में आएगा सर कि हम कितना पढ़े कितना क्या किए, तभी तो सर ज्ञान के मेहनत के ही कारण तो हम लोग को तो समझदारी मिलता है सर, ज्ञान के कारण ही तो। तो जब आप मेहनत करके पास हो ही जाएगा तो टीचर की जरूरत क्या? सर टीचर ही तो हमें समझाएं बताएं कि मेहनत करनी है मेहनत करनी चाहिए तभी तो आगर जाकर फल मिलेगा उसका। सर हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा टीचर का अहमियत है सर, वो थोड़ा सा ही ज्ञान दे पर हमें तो समझ में आए ना सर, आप एक बात बोलते हैं सर वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये सर कि टीचर से टीचर क्या पढ़ाया ये नहीं देखो, टीचर से हम कितना पढ़े ये देखो, सबसे अच्छा लगता है सर हमें ये बात। तो वही बात हम लोग भी करना चाहते हैं सर, टीचर क्या पढ़ाए वो उससे मतलब नहीं, हम कितना टीचर से पढ़े ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है हमारी लाइफ में सर। ये लाइन आपको भी अच्छी लगती है? जी सर। आजकल तो सर सभी कोई बस एग्जाम पास करने के लिए ही पढ़ते हैं सौ में से, बस वैसे ही में से बच्चा 10% निकल गए पढ़ने वाले तो अधिकतर कहीं से सर बस इतना ही, बस उनको बस पास होना है, पास होने से मतलब है।